वाले हैं। क्यों? क्योंकि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें मोटिवेट रहना बेहद जरूरी होता है। इसलिए अपनी राह पर डटे रहने के लिए हमें शक्ति मिलती है। कहते हैं ना, जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इनका सामना करने के लिए इंसान इंसान को कभी हार नहीं मानना चाहिए। हमेशा प्रेरित रहने के लिए आपको हमेशा प्रेरित करने के लिए हमारे जो ग्रेट मेंटर है मिस्टर लखविंदर सिंह गुड़ा जी और हमारे जितने भी दिग्गज लीडर हैं, हमें प्रेरित करने के लिए हमें हमारे लिए बहुत दिग्गज लीडर जूम के ऊपर प्रोवाइड करवाते हैं और बहुत सारी हमें नॉलेज मिलती है। बहुत शानदार तरीके से हमें बताते हैं कि हम लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आज तक किसी भी फील्ड में ऐसा नहीं बताया गया है कि हम लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जो इंसान जॉब करते हैं वहां पे आप खुद देख सकते हो, वहां पे एक एक ना एक वहां पे किसी ना किसी की टांगे खींची जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको हाथ फड़ के उठाया जाता है, हाथ फड़ के आपको आगे बढ़ाया जाता है, हमेशा प्रेरित किया जाता है। कहते हैं ना, जिंदगी को रंगीन कहा गया है, जिंदगी को रंगीन कहा गया है क्योंकि ये हमें कई रंग दिखाती है। कभी जिंदगी हमें हंसना सिखाती है तो कभी हमें रोना सिखाती है। कभी हम हद से ज्यादा खुश हो जाते हैं और कभी बेहद निराश हो जाते हैं। कई बार साथियों ऐसा होता है कि जी जान से हम मेहनत करते हैं और मेहनत करने बाद भी हमें वो नहीं मिलता जिसके हम हकदार होते हैं। कई उतार चढ़ाव झेलने के बाद, खून पसीना एक करने के बाद भी हमें मंजिल नहीं मिलती। कई बार ऐसा होता है कि मंजिल सिर्फ एक कदम हमारे से दूर होती है मगर पहले ही हम हार मान जाते हैं। उसी हौसले को बढ़ाने के लिए, वही वो हमारे हौसले को ताकत देने के लिए आज जो हमारे बीच हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं मिस्टर इंदरपाल बराड़ जी, आज के बाद आपकी जो स्पीड है काम करने की वो डबल ट्रिपल हो जाएगी। हमें इन परिस्थितियों में प्रेरित करती हैं। अगर आप भी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, आपको हमेशा कुछ ऐसा करना चाहिए जिसपे हम हर पल मोटिवेट रहे। और साथ ही वही मोटिवेट, वही नॉलेज देने के लिए आज हमारे बीच में हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर इंदरपाल बराड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो साथियों, जितनी भी आपकी टीम है, प्लीज आप चेक कीजिए, 716 पार्टिसिपेंट है जो अभी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। तो प्लीज साथियों, अभी भी हमारे पास टाइम है, अभी भी हमारे पास 2-3 मिनट का टाइम है, अभी भी आप चेक कीजिए कि आपकी टीम का कौन कौन साथी हमारे बीच नहीं आया है। क्यों? क्योंकि आज हमें बहुत बहुत जबरदस्त ऐसी नॉलेज मिलने वाली है जो कि आज तक हमें कभी नहीं मिली। आपके बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए, आपकी टीम की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आज हमारे बीच हमारे चीफ गेस्ट जुड़े हुए हैं। तो सर प्लीज मुझे बता दीजिए कि कब तक हमने इंदरपाल सर को इनवाइट करना है। अभी अभी बुला लो सर, अभी बुला लो। ओके है, डन है। ओके ओके ओके, तो सर मैं आपकी डिजिटल क्लैपिंग के बीच में मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ मिस्टर इंदरपाल बराड़ जी। प्लीज आप चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए और क्लैपिंग कीजिए। वेलकम है सर आपका, क्योंकि आपको सुनने के लिए हमारी टीम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। वेलकम है सर, वेलकम है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सुपरस्टार मेगा स्टार इंदरपाल सिंह बराड़ जी का। और थैंक यू सो मच फोन के पास। प्लीज थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सब गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच। और मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी अपने आप को म्यूट कर लें, ताकि मैं, क्योंकि अभी मैं 4 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जुड़ा हुआ हूँ और 4 फोन एक लैपटॉप मेरे सामने लगा हुआ है। तो आप सभी देख रहे होंगे हर मीटिंग में अलग एंगल आ रहा है। तो दोस्तों, हम सब मिलकर आज इस सेशन को जबरदस्त सेशन बनाएंगे इसको। और मुझे 1 मिनट दीजिए। ओके, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जो हमारा ए ग्रुप है इसमें रिकॉर्डिंग ना कीजिए प्लीज। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। जो ए ग्रुप है, गुरजीत सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज सबको को होस्ट से हटा दीजिए। यहाँ पे रिकॉर्डिंग मत कीजिए प्लीज, इससे जो जगह है वो ज्यादा घिर जाती है। तो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करें, इस रिकॉर्डिंग को बंद कर दीजिए प्लीज। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। यस, इसको बंद कर दीजिए रिकॉर्डिंग। तो मैं आशा करता हूँ कि चारों सेशंस के ऊपर
मेरी आवाज और मेरी तस्वीर आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थोड़ा फेस का वो फेस क्या है मतलब आप अगर ऑब्जेक्ट आप देखते हो उस कैमरे की तरफ अभी बस। अच्छा, मैं कैमरे की तरफ देखूं? हाँ जी, आप मेरी तरफ देखो, आप मेरी तरफ देखो, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप मेरी तरफ देखो, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम सब वेरी गुड मॉर्निंग सर। तो दोस्तों, थोड़ा सा लंबा सफर है हमारा, 2 दिन का सफर हम सबको तय करना है। ये फिर से रिकॉर्डिंग लगा दी है, तो गुरजीत सर प्लीज सबको कोहोस्ट से हटा दीजिए, रिकॉर्डिंग मत कीजिए। थैंक यू सो मच। आइए हम सब 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए अपने हाथों को जोड़ेंगे और उस परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। हम सब मिलकर अपनी आंखों को बंद करें, हम उसका धन्यवाद करेंगे। थैंक यू गॉड, आज आपने ये सुंदर दिन हमें दिखाया। आज हम जीवित हैं और आज हम हेल्दी हैं, हमारे बच्चे हेल्दी हैं, हमारे घर में खुशियां ही खुशियां हैं, हमारे विक्ट्री इंटरनेशनल में खुशियां ही खुशियां हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गॉड, आई लव यू गॉड, आई लव यू। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत अब इतनी भयंकर तरीके से करेंगे ना, तो दोस्त आप सबको, जितने भी मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं ना, आप सबको मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हम सब मिलकर अपनी कॉपी और पेंसिल उठा लें प्लीज। सभी अपनी कॉपी और पेंसिल उठा लें, क्योंकि ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप कॉपी और पेंसिल उठा लेंगे और उसके ऊपर हम चर्चाएं कर लेंगे, काम कर लेंगे, तो हम अपने टीम को सिखा पाएंगे, हम अपने टीम को सिखा पाएंगे कि कैसे एक नई शुरुआत, जीरो से हीरो तक का सफर है, वो हम कैसे बताएंगे। तो प्लीज अपनी कॉपी पेंसिल उठा लीजिए, सभी दिग्गज जितने भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, तो प्लीज उठा लीजिए अपनी कॉपी पेंसिल उठा लीजिए। बहुत ही प्यारे प्यारे पॉइंट्स जो हमारे पास हैं, वो किसी का विजन क्लियर कर सकते हैं। अगर किसी का भी विजन क्लियर हो जाता है तो दोस्त बहुत बड़ा काम जो है, बहुत ही बड़ा काम यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कई बहुत ही बढ़िया बढ़िया कारीगर हैं जो स्क्रीन के ऊपर वो बना रहे हैं, तो वो कृपया करके कि थोड़ा सा वो कर दें भाई, कि हम पर भी हम इसको ना बनाए, ये कलाकारी यहाँ पर बहुत दिखाएं प्लीज, कृपया करके। मैं यहाँ पर एक मिनट, ओके थैंक यू। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त इंद्रपाल सिंह बराड़, और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जिस सिस्टम में आप आ चुके हैं वो सिस्टम एक्चुअली है क्या। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आप लिखना स्टार्ट कीजिए, पॉइंट्स को लेना स्टार्ट कीजिए। रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड जो है वो हमारी कंपनी है, 3 जुलाई 2018 में ये मौजूदगी में आई पूरे हिंदुस्तान में, और इसके बाद में इसके जो फाउंडर हैं वो है मिस्टर सुनाकर नायक जी, डायरेक्टर मिस्टर के चौधरी जी, और रजिस्टर्ड और कॉरपोरेट ऑफिस जो है वो बैंगलोर कर्नाटका में है, रीजनल ऑफिस जो है वो कोलकाता सिलीगुड़ी में है, और इसके COO है मिस्टर लॉरेंस मैथ्यू सल्दाना, और जो हेड लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट को संभालते हैं वो है मिस्टर रोहित सिन्हा। डॉक्टर राजदीप दत्ता है हमारे हेड ऑफ द साइंटिस्ट एडवाइजरी टीम, और लीगल हेड जो है कंपनी के, लीगल हेड जो है वो है मिस्टर कुशाल शर्मा जी, और जो फाउंडर लीडर है हमारी कंपनी के वो है मिस्टर विकास श्रीवास्तव जो हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। और पैन इंडिया बिजनेस 3 साल में पूरे इंडिया में ये बिजनेस फैल चुका है आप सबके द्वारा। 1.5 लाख सेटिस्फाइड प्रोडक्ट यूजर हमारे वर्ल्ड वाइड है, और यानी कि अगर मैं ये आंकड़े जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आंकड़े 4 महीने पुराने हैं, और इसमें आप 1 लाख का और आंकड़ा अगर ऐड कर लेंगे तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। तो लगभग 8 लाख एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो हमारी कंपनी में है, और लगभग 60 लाख प्लस अपने जो रेनेटस बॉटल जो है वो अभी तक सोल्ड आउट हो चुकी है, 60 लाख प्लस, और उसके बाद 500 प्लस स्टॉक पॉइंट हमारे पास अवेलेबल थे जो कि अभी बढ़कर 750 के करीब हो चुके हैं, और
9000 रेनोवियन जो है वो प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं, 9000 रेनोवियन एवरी सिक्स मंथ में वो ट्रेंड होते हैं हमारी कमांडो ट्रेनिंग से। ये सबसे बेहतरीन पहलू है जो आज आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। 9000 रेनोवियन हर 6 महीने में हमारी कमांडो ट्रेनिंग जो कि कंपनी के द्वारा चलाई जाती है, ऋषिकेश पाठक सर के द्वारा चलाई जाती है, तो उनके द्वारा प्रशिक्षित किए जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है दोस्त। और लगभग पहला जो इंटरनेशनल टूर हुआ था उसमें 83 अचीवर्स थे जो मलेशिया के लिए इंटरनेशनल ट्रिप में 2021 में गए थे। उसके बाद 140 प्लस अचीवर्स थे जो सेकेंड इंटरनेशनल टूर पे गए थे यानी कि दुबई में। फिर उसके बाद में लगभग 160 ऐसे अचीवर थे जो थाईलैंड गए थे। उसके बाद 450 प्लस कैश रिवॉर्ड्स जो हैं वो कंपनी अभी तक दे चुकी है। और प्लस इसमें जो प्लस हुआ है उसका जो उसकी जो गिनती है वो अकल्पनीय है कि उसमें 3000 लोगों को ऐड कर लिया गया है, 3000 लोगों को और एक्सटर्नल जो रिवॉर्ड्स और अवार्ड्स हैं वो दे चुकी है कंपनी अभी तक। और 210 ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसी पर्सनालिटीज हैं जो कि यहाँ से करोड़पति बन चुके हैं। लास्ट टाइम जब मैंने ये सेशन लिया था, मॉनसून सेशन लिया था, तब मैंने आप सबको ये बताया था, ये आंकड़ा जो था वो लगभग 120 मिलियनियर्स कंपनी ने बनाए हैं, लेकिन अब ये 200 प्लस हो चुका है दोस्तों। तो इसके लिए डिजिटल क्लैपिंग होनी चाहिए। और उसमें विक्ट्री इंटरनेशनल से भी बहुत सारे दिग्गज हैं जिन्होंने अपना नाम अंकित कराया है करोड़पतियों की सूची में। तो दोस्तों उसके बाद रेनेटस एक मात्र ऐसी कंपनी है, जो नए लोग हैं उनसे मैं बोलना चाहता हूं, रेनेटस एक मात्र ऐसी कंपनी है जिस कंपनी में एक एकेडमी, एजुकेशनल एकेडमी का निर्माण किया है जिसका नाम है रेनेटस एकेडमिया एजुकेशन सिस्टम। ये सिस्टम किसी भी कंपनी में नहीं है, लोगों ने, लीडर्स ने अपने द्वारा सिस्टम क्रिएट किए हैं, लेकिन ये पहली कंपनी पूरे विश्व में है जिसने, कंपनी ने एजुकेशन सिस्टम को बनाया है। कंपनी सिर्फ मोटिवेशन पे काम नहीं करती है, कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट पे काम नहीं करती है, कंपनी सिर्फ सेल्स में काम नहीं करती है, कंपनी अपने जितने भी लीडरशिप है उसको डेवलप करने में विश्वास करती है दोस्तों। तो जहां पर एजुकेशन की बात होती है वहां पर बहुत बड़ा काम होता है, वहां पर बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि जहां पर शिक्षित किया जाता है अपनी पर्सनालिटीज को, अपने लीडर्स को, वहां पर बहुत बड़ा काम होता है। तो इसको ध्यान से सुनिए जो मैं क्या बोल रहा हूं, इसको नोट कर लो, आप अपने प्लान में ये इसको ऐड कर सकते हैं दोस्त। और आप लोगों को बता सकते हैं कि दोस्तों हमारी कंपनी एक मात्र ऐसी कंपनी है जहां पर एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है और कंपनी उसके ऊपर खर्चा करती है, कंपनी कमांडो ट्रेनिंग चलाती है और कंपनी हर 4 महीने में हमें रिट्रीट देती है और रिट्रीट के अंदर हमें एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है जो डॉक्टर आचार्य जी हमें प्रोवाइड करवाते हैं और ऐसी नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं जो आउट ऑफ द वर्ल्ड नॉलेज है दोस्तों। आउट ऑफ द वर्ल्ड, किताबों में नहीं होती है वो, प्रैक्टिकल नॉलेज है वो जो शेयर करते हैं हमारे साथ। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और उससे भी बड़ी खुशी की बात क्या है, कंपनी के पास अपना खुद का पर्सनल रिसर्च लैब है जहां पर हमारे राजदीप दत्ता सर जी हमेशा वहां पर नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए और हमारा जो फेवरेट प्रोडक्ट है रेनेटस नोवा उसको और बढ़ाने के लिए, उसकी उत्पाद को और बढ़ाने के लिए उसमें लगातार प्रयास करते रहते हैं दोस्त। तो हमारी खुद की एक लैब भी है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो अभी रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो पूरे कंप्लीट हैं, आप नोट कीजिए, 7 सर्टिफिकेशंस हमारे पास जो हैं जो एक कंपनी रन करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सब हमारे पास हैं। उसमें पहले नंबर पर आता है ISO, दूसरे नंबर पर आता है पब्लिकली ISO, तीसरे नंबर पर आता है जो हम प्रोडक्ट के ऊपर ISO लेते हैं और उसके मार्केटिंग प्लान के ऊपर, 4 तरह का ISO होता है, वो सारे ISO हमारे पास हैं। 5वें पर है डायरेक्ट सेलिंग के सर्टिफिकेट, जितने भी हमारे पास आते हैं वो सभी हमारे पास हैं। और 6वें नंबर पर आता है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट्स हम लोग उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं या रिसर्च करते हैं उसके लिए GMP का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, वो भी हमारे पास है।
और उसके बाद में सातवां HACCP, ये भी एच कैप जिसको हम बोल देते हैं HACCP, ये सर्टिफिकेट भी कंपनी के पास है। इसके अंतर्गत कंपनी अपने प्रोडक्ट को पूरे इंडिया में जहां मर्जी सेल आउट कर सकती है। तो उसके बाद में ये जो हमारे सर्टिफिकेट्स हैं ये आपके पास अपनी जो वेबसाइट है वहां पर अवेलेबल हैं। टूल्स में जाइए, डाउनलोड सेक्शन में जाइए, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल HD में। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स जो हैं ये आपको वहां पर मिल जाएंगे। अब मैं बात करता हूं कि रेनेटस वेलनेस की जो प्रेजेंस है पूरे इंडिया में, कहां कहां पे रेनेटस वेलनेस की जो है प्रेजेंस है, आप नोट कीजिए कि हमारी जो प्रेजेंस पूरे इंडिया में फैल चुकी है दोस्त, बेंगलोर से लेकर हैदराबाद, कोलकाता, सिलीगुड़ी, बोकारो, पंजाब, हर जगह हम लोग फैल चुके हैं। और कंपनी का बेंगलोर का जो ऑफिस है वो सेकेंड फ्लोर पे है, VES कॉन्वेंट स्कूल रोड के ऊपर। और जो सेकेंड रजिस्टर्ड ऑफिस है कर्नाटका का, वो उसकी कुछ तस्वीरें हैं जो मैं एक ही उसके ऊपर शो कर पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, मैं सबके ऊपर वो नहीं कर पाऊंगा, सारे फोन्स के ऊपर नहीं कर पाऊंगा। तो इसमें भी ये भी आप जो भी मैं यहाँ पर फोटोज को दिखा रहा हूँ, ये सारी फोटोज हमारी वेबसाइट में से ली गई हैं। वेबसाइट पे अपना जब साइन इन करने से पहले, वेबसाइट पे साइन इन करने से पहले अबाउट अस में आप जाएंगे तो वहां पर ये सारी चीजें जो है वो मेंशन की हुई हैं, ये सब कुछ दिखाया हुआ है। और एक ऑफिस के बारे में मैं जरूर चारों सेशंस पे बताना चाहूंगा, जितने भी नए पर्सन हैं वो सुन रहे हैं, हमारी जो ए ग्रुप है वहां पर 1000 का आंकड़ा जो है वो पार हो चुका है और बहुत बहुत बधाई हो। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो आने वाला एक अपना खुद का जो ऑफिस है वो इतना शानदार ऑफिस है, इतना शानदार और जानदार ऑफिस है, वो है ब्रिगेड सिग्नेचर टावर्स पे, ब्रिगेडियर सिग्नेचर टावर के ऊपर है। और वो बहुत ही बेहतरीन वो है। एक मिनट मुझे टाइम दीजिए। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारा ऑफिस है वो ऑफिस 14,000 स्क्वायर फीट में है जो नया बन रहा है। और खुशी की बात क्या है, वो कंपनी का खुद का ऑफिस है और वो तीन फ्लोर है, वो तीन मंजिल ऑफिस है और वो 7-स्टार ऑफिस बनेगा। और आप अगर गूगल पर जाकर वहां पर अगर आप लिखेंगे ब्रिगेड सिग्नेचर टावर बेंगलोर में, ब्रिगेड सिग्नेचर टावर बेंगलोर में, तो आप उसकी छवि देखकर दंग रह जाएंगे। जी हाँ, आप उसकी छवि देखकर दंग रह जाएंगे। इतना जबरदस्त उसका इंटीरियर, इतना जबरदस्त उसकी एम्बियंस, जब आप उस ऑफिस में एंटर करेंगे ना, आपको ऐसा फील होगा कि आप किसी 5-स्टार प्रॉपर्टी में आ गए। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के इतिहास में पहली बार ये हुआ है कि इतना लग्जूरियस ऑफिस, वो भी खुद का और खुद की जमीन के ऊपर वो कंपनी ले चुकी है। कभी भी हो सकता है कि अभी जो दिल्ली में हम रिट्रीट में जाने वाले हैं 9 मई में, हो सकता है कि वहां पर आपको ये गुड न्यूज मिल जाए कि वहां पर जो हमारा ऑफिस है उसकी एक डेट मिल जाए कि इस डेट पर वो ऑफिस का इनॉग्रेशन हो रहा है। तो इसके लिए मैं एडवांस में आप सबको बधाई देता हूं कि ये होने वाला है, उसके लिए आप सबको बधाई हो। तो दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन ऑफिस वो जो है वो बनने जा रहा है, ये हमारे लिए हर्ष की बात है। और आपको आगे मैं बताना चाहता हूँ प्रोडक्ट के बारे में, बहुत ही बारीकी से नॉलेज देने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम जब भी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देते हैं तो हम सबके मुंह पे एक बात चढ़ी हुई है कि जी हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट है, 600 बीमारियों पे काम करता है, 6 साल की रिसर्च है, इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ। आप ऐसा मत बोलो किसी को भी ये 600 बीमारी पे काम करता है। पहली बात तो ये किसी बीमारी पे काम ही नहीं करता, ये हमारे ऑटो इम्यून सिस्टम पे काम करता है, ये हमारे ऑर्गन को न्यूट्रिशन प्रदान करता है। हमारे ऑर्गन अच्छे हो जाते हैं तो हम ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाते हैं, हमारी बीमारी दूर हो जाती है। फिर भी अगर आपको किसी को बोलना है कि ये 600 बीमारी पे काम करता है,
तो मत बोलिए, उठाइए अपनी कलम और लिख लीजिए, ये 100,000 इम्यून डिसऑर्डर्स के ऊपर काम करता है, 600 बीमारी पे काम नहीं करता ये, नोट कीजिए, 100,000 इम्यून डिसऑर्डर, सीधी भाषा में कहूं 100,000 बीमारियों के ऊपर काम करता है। इम्यून डिसऑर्डर से हमारे शरीर में बीमारी आती, 100,000 तरह के इम्यून डिसऑर्डर्स के ऊपर हमारा ये प्रोडक्ट जो है ये काम करता है। तो इसके लिए डिजिटल क्लैपिंग होनी चाहिए। इतना बेहतरीन, इतना खतरनाक प्रोडक्ट आज तक ना किसी ने बनाया है और ना कोई इसको बना सकता है। ये एक ऊपर वाले की कृपा हुई है हमारे ऊपर, रेनेटस वेलनेस के ऊपर, कि हमें ये बेहतरीन प्रोडक्ट जो है वो उसने बना के दिया है ताकि हम अपने फ्यूचर को इस प्रोडक्ट के आधार पर बना पाए। तो दोस्तों इसको समझ लीजिए, आपके हाथ में जो ये डब्बी है ना, आपके हाथ में जो ये प्रोडक्ट है ना, ये कोई आम चीज नहीं है दोस्त, ये कोई आम प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट जो है ना, ये लोगों की जिंदगियां बदलने वाला प्रोडक्ट है। इसके पीछे कुछ साइंटिफिक कारण है, आइए मैं आपको बताता हूं। हमारा राजदीप दत्ता सर से एक बार मुलाकात हुई दिल्ली में, तो हमने उनसे पूछा कि सर हमारे प्रोडक्ट में ऐसी क्या चीज है जो दुनिया के किसी और प्रोडक्ट में नहीं है, हम इसको कैसे बता सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में एडिशनल क्या है। तो हम लोग तो ये देखते हैं इसके ऊपर मोहर लगी है, कैप्सूल के ऊपर रेनेटस लिखा है, ये डार्क कलर का है, वो लाइट है, इसमें ट्रेडमार्क लिखा है, हम तो सिर्फ डब्बी देखते हैं। हमें कुछ ऐसा बताओ कि कैप्सूल के अंदर जो डाला गया है उसके बारे में कुछ बताओ। तो राजदीप दत्ता सर ने हमें बताया और जो चीजें उन्होंने मुझे बताई उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और मैं वो आपको बताना चाहता हूं, आपके भी आज रोंगटे खड़े होने वाले हैं दोस्त। ध्यान से सुनिएगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूं, नोट कर लो मुझे। लगभग मेरा आइडिया अगर सही है तो लगभग 3,000 के करीब मुझे आज लोग सुन रहे हैं, तो 3,200 लोग अगर इसको नोट कर लें और इसको अपनी टीम में वो बता दें, सबको बता दें, तो आप सोच के देखो कितना बड़ा काम हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता, हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो कैप्सुलेशन के ऊपर बनाया गया है। ध्यान से लिखिए, नैनो कैप्सुलेशन एंड नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाया गया। नैनो कैप्सुलेशन और नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर किसी भी प्रोडक्ट को बनाया जाएगा तो 1 मिलीग्राम को नैनो टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करने के लिए लगभग 2 करोड़ रुपयों से ऊपर की लागत आती है दोस्तों। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 1 ml, 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम अगर नैनो टेक्नोलॉजी यूज करनी हो दोस्त, तो उसके अंदर जो खर्चा होता है ना वो 2 करोड़ प्लस का खर्चा, और उसके साथ एक लिमिटेड स्टॉक बनाया जा सकता है, एक लिमिटेड स्टॉक। तो जो कॉपी करने वाले हैं वो कैसे कॉपी कर लेंगे भाई, वो तो 200 रुपया लगाएंगे, 2,000 लगाएंगे, मैक्सिमम 2 लाख लगाएंगे, 2 करोड़ प्लस कौन लगाएगा, वो भी 1 मिलीग्राम के लिए नहीं बना पाएंगे, हो ही नहीं पाएगा, उनके पास है ही नहीं। और दूसरा खास चीज क्या है, हमारे प्रोडक्ट को अगर कोई कॉपी करना चाहेगा ना, जैसे वो कैप्सूल को खोलेगा, माइक्रोस्कोप के नीचे डालेगा तो उसको देखने के लिए कि इसके अंदर क्या क्या है और कैसे कैसे डाला गया है, तो इसके अंदर एक दिमाग वाली चीज हमारे राजदीप दत्ता सर ने डाली है। उसमें क्या होगा, वो कैप्सुलेशन की जो फॉर्मेशन है अंदर वो ब्रेक हो जाएगी, जैसे ही उसको टेलीस्कोप के नीचे रखा जाएगा, माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाएगा, तो वो माइक्रोस्कोप के नीचे उसकी जो फॉर्मेशन है वो ब्रेक हो जाएगी, वो बिल्कुल प्लेन हो जाएगी, उसके टेस्ट में आएगा अंडा 0, यानी कि वो उसको कॉपी ही नहीं कर पाएगा। सोच के देखो कितना दिमाग लगाए राजदीप दत्ता सर, कहते हैं कैप्सूल लो, खाओ, बीमारी दूर भगाओ, हेल्दी रहो, दैट्स इट। ये मत सोचो इसके अंदर क्या है, इसको खोजने की कोशिश मत करना, क्योंकि कुछ भी नहीं मिलेगा दोस्त, कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसी टेक्नोलॉजी इस कैप्सूल के अंदर डाली है। मैं धड़ल्ले से बोलता हूं 3,000 लोगों के सामने, आप मुझे दिखाओ कौन सा ऐसा दुनिया में प्रोडक्ट है जिसमें ये टेक्नोलॉजी यूज की गई, क्यों इसमें चेन ब्रेक करने के लिए जो फॉर्मुलेशन डाली है क्यों डाली है, क्योंकि हम चाहते हैं, रेनेटस वेलनेस चाहती है कि इस प्रोडक्ट को कोई कॉपी कर ही ना पाए। इसका फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ रेनेटस वेलनेस के पास है, रेनेटस वेलनेस के पास रहेगा हमेशा, और ये हमारी एमएसपी है दोस्त, ये हमारी एमएसपी है। और
जो मिशन स्टार्ट किया है हमारे राजदीप दत्ता सर ने, डायबिटीज फ्री इंडिया, डायबिटीज फ्री इंडिया, तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो डायबिटीज फ्री इंडिया में कैसे काम आएगा। अगर मैक्सिमम लोगों तक ये प्रोडक्ट पहुंच जाएगा तो वो लोग इसको यूज करेंगे तो उनका जो डायबिटीज है वो कंट्रोल हो जाएगा दोस्त, उनका डायबिटीज यहाँ पर कंट्रोल हो जाएगा। क्यों कंट्रोल हो जाएगा? क्योंकि आज हमारे जीवन में जो हमारा खान पान है वो दूषित है, हवा दूषित है, पानी दूषित है, हमारा हर एक चीज दूषित हो चुकी है। आज हमारी प्लेट में खाना नहीं, हमारी प्लेट में जहर है, और उसी की वजह से हमारा पैनक्रिया डिसऑर्डर हो जाता है। पैनक्रिया डिसऑर्डर होने से हमारी बॉडी में उचित मात्रा में इंसुलिन नहीं बनता है और उसके कारण हमारे जो बॉडी में शुगर का जो लेवल है वो अप हो जाता है या डाउन हो जाता है। तो दोस्तों हमारा प्रोडक्ट क्या करता है, हमारा प्रोडक्ट इंसुलिन नहीं बनाता है, हमारा प्रोडक्ट पैनक्रियाज को रिपेयर करने में मदद करता है, ऑर्गन को हेल्दी करने में मदद करता है, तो ऑटोमेटिक डायबिटीज ठीक हो जाता है। इसके बारे में आगे जाके मैं विस्तार से बात करूंगा। कुछ रिकमेंडेशंस, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में हमारा जो प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, उनमें से किसी का, कुछ हॉस्पिटल्स का मैं नाम लेता हूँ। एक संभव नेचर केयर हॉस्पिटल है, ये कोलकाता में है। एक प्रतित्व डेंटल मेडिकल सेंटर है, इसको आर्मी के पर्सन जो है वो चलाते हैं, DRDO चलाते हैं इसको। उसके बाद स्वास्थ्य सेवा सदन है, फिर उसके बाद एक जाना माना नाम जो पूरी दुनिया में जाना माना जाता है हॉस्पिटल्स में, उसका नाम है अपोलो हॉस्पिटल्स। तो अपोलो हॉस्पिटल्स भी हमारे प्रोडक्ट के लिए सैल्यूट ठोकता है दोस्त। तो इसकी पूरी जानकारी जो है वो हमारे जनरल में है। आप अपनी अपलाइन से आज जरूर मांगना कि हमें रेनेटस वेलनेस का जनरल दे दो, वो जनरल उनसे ले लो। आप सब मेरी आवाज को सुन रहे हैं, वो जनरल अपनी अपलाइन से ले लो और अपने फोन में रख लो और अपनी फाइल में उसको फोटोस्टेट करवा के, उसको प्रिंट आउट करवा के रख लो, लोगों के सामने दिखाओ। जनरल का मतलब क्या होता है दोस्त? अगर हमारे पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट का एक डॉक्यूमेंट हमारे पास है। हमारा प्रोडक्ट मूजवानी प्रोडक्ट नहीं है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो डॉक्यूमेंटेड प्रोडक्ट है। मुंह से बोल दिया कि इसमें शतावरी है, अश्वगंधा है, ये है, ये है, ये है, ऐसा नहीं है, डॉक्यूमेंटेड प्रोडक्ट है। 6 साल की रिसर्च है। जब आप किसी के पास जाते हैं और बोलते हैं सर हमारे प्रोडक्ट पे तो 6 साल की रिसर्च की गई है, तो अगला बोल सकता है कि दिखाओ कहां रिसर्च हुई है। तो आपके पास जनरल होना चाहिए, जनरल दिखाओ, उसके सामने रखो कि लीजिए सर देखिए इस जनरल में पढ़िए। तो वो जनरल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर सारा मेंशन किया गया है, ईच एंड एवरीथिंग मेंशन किया गया। और उसके बाद एक और बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है, अपने जब भी आप किसी के साथ बात करें तो उसके सामने रखने के लिए एक और बात है बहुत ही बेहतरीन, वो कौन सी है? वो है कि हम रेनेटस वेलनेस में जितने भी प्रोडक्ट लेकर आते हैं सारे रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, क्योंकि कंपनी का खुद का लैब है, कंपनी का खुद का साइंटिस्ट है जो कि इसके ऊपर लगातार रिसर्च करता रहता है। और हमारी कंपनी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं, कौन है आप लिख के बताइए, सभी अपने अंगूठों का भी इस्तेमाल कीजिए, लिखिए सभी कौन है। सौरभ गांगुली जी, यस सौरभ गांगुली जी, क्या कोई वो आम पर्सनैलिटी है? नहीं दोस्तों, वो आम पर्सनैलिटी नहीं है, वो एक सेलिब्रिटी है, वो पूरी दुनिया में जाना माना नाम है। और उन्होंने एज अ ब्रांड एम्बेसडर अगर रेनेटस वेलनेस को साइन किया तो कुछ देखकर साइन किया होगा, कुछ प्रोडक्ट को देखा होगा, कुछ कंपनी को देखा होगा, कुछ इसके इथिक्स को देखा होगा, कोई पेपर वर्क देखा होगा। क्या सौरभ गांगुली जी का दिमाग हमारे दिमागों से ज्यादा तेज होगा या कम होगा? आप बताइए कमेंट बॉक्स में। सौरभ गांगुली जी का दिमाग हमसे ज्यादा तेज होगा या कम होगा बताइए? क्या उनके पास अपनी लीगल टीम होगी कि जो उनको बताएगी ये ऐड करनी ये नहीं करनी? बिल्कुल होगी दोस्त, बिल्कुल होगी। उन्होंने जांच पड़ताल करके फिर इसको साइन किया होगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि दत्ता सर गए होंगे गांगुली दादा रेनेटस वेलनेस है हमारी कंपनी है आप इस पे साइन कर दो ना, आप हमारा एम्बेसडर बन के आ जाओ? तो बोले अरे अच्छा अच्छा तू बंगाली मैं बंगाली ये लो साइन कर दिया ओके डन। ऐसा हो गया क्या? ऐसे होता है?
नहीं ऐसे कभी नहीं हुआ होगा। उन्होंने बोला होगा कि सर मेरी कंपनी है तो प्लीज आप दादा इसके ऊपर वो, उन्होंने बोला होगा ठीक है आप मुझे पेपर भेजो, मैं उसको चेक करता हूँ, अपने लीगल टीम से चेक करवाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है इसके लिए 6 महीने लगे हों, 8 महीने लगे हों, 1 साल लगा हो, उसको पूरा देख कर जांच कर फिर उस व्यक्ति ने इस कंपनी के साथ अपना नाम जोड़ा। सोच के देखिए कैसे जोड़ा, जांच पड़ताल करके जोड़ा। हम क्या इतनी जांच पड़ताल करते हैं क्या? हम लोग इतनी जांच पड़ताल नहीं करते, क्योंकि हम मैक्सिमम क्या देंगे कंपनी में, क्या देंगे? 60,000, 58,680 रुपये बस। इनके साथ करोड़ों की डील हुई है। तो दोस्त अगर वो व्यक्ति जुड़ सकता है तो सबको जरूरत है। ये आप अपने प्लान में ऐड कर सकते हैं। अगर सौरभ गांगुली इस कंपनी के साथ जुड़ सकता है एज ए ब्रांड एम्बेसडर, तो भाई आपकी और हमारी, मैं वो वर्ड नहीं यूज करूंगा, आपकी और हमारी क्या पर्सनालिटी है कि हम इसको ना ज्वाइन करें? इसको देखना तो बनता है, इतनी बड़ी पर्सनालिटी अगर जुड़ी है तो इसको देखना तो बनता है ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। और उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट है वो रेनेटस नोवा इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है, उसको साथ देने के लिए हमारा जेंथ प्रो आ गया। अभी जो जेंथ प्रो है इसमें क्या है जो डिफरेंट है, ध्यान से आप नोट कीजिए। जेंथ प्रो के बारे में बहुत लोगों की मुझे कॉल भी आती है कि सर मुझे प्लीज बताइए जेंथ प्रो में क्या क्या है, मुझे प्लीज आप बताइए जेंथ प्रो में क्या क्या है, ये कैसे रिकमेंड करें, ये क्या करें। तो प्लीज इसका नोट्स बनाइए। हमारा जेंथ प्रो बाकी जो प्रोटीन मार्केट में है उससे अलग इसका क्या है? सबसे पहली चीज जो है, हमारा जेंथ प्रो जो है वो हमारा रेनेटस नोवा जो कैप्सूल है उसके साथ कंपेटिबल है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। आज मैं आपको बड़े दिमाग की बात बताने वाला हूं, तो आप सभी अपने दिमाग को खोल के इस बात को सुनिएगा। कितने लोग हैं जो एप्पल यूज करते हैं, आईफोन यूज करते हैं? कितने लोग हैं जो आईफोन यूज करते हैं वो मेरी बात को बड़े साथ के साथ समझ जाएं। देखिए आईफोन किसी दूसरे फोन के साथ कनेक्ट नहीं होता, आईफोन किसी दूसरे फोन के साथ कनेक्ट नहीं होता है, लेकिन आईफोन आईफोन के साथ ऐसे कनेक्ट होता है। आप बड़ी से बड़ी वीडियो अगर शेयर करना है तो एयर ड्रॉप सिस्टम दिया है जिसमें मात्र कुछ सेकंड्स में आपका पूरा डाटा दूसरे फोन में, एक क्लिक किया यहां पर क्लिक किया कुछ सेकंड में वो डाटा इधर उधर हो जाता है। लेकिन अगर आईफोन से एंड्रॉइड में करना हो तो बहुत मुश्किल है, वो लैपटॉप से अटैच करके करना पड़ेगा, मुझे मुश्किल है, वो अटैच नहीं होता, बड़ा मुश्किल है। सोचिए मैं कहां, मैं आप ध्यान से सुनिए मैं क्या बोलना चाहता हूं। आईफोन ने सबसे पहले अपना एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम रखा आईफोन। उसका सैटेलाइट अलग है, उसकी खोजबीन अलग है। आईफोन अगर किसी को पड़ा मिल जाए तो वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, आईफोन अगर चोरी हो जाए तो उसको कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसके अंदर ऐसी तगड़ी सिक्योरिटी है। उसके अंदर अगर आप उसका बोर्ड भी निकाल कर कहीं बेचेंगे ना तो वो सैटेलाइट से पता कर लेगा, उसके आईसी के नंबर भी उसमें मेंशनड होते हैं, वो पता कर लेगा कि कहां पर बोर्ड पड़ा है, वो चोरी नहीं होता आईफोन कभी भी। सिक्योरिटी वाइज इसमें से कोई भी आपका पर्सनल डाटा चुरा नहीं सकता है, वो ऐसा आईफोन ऐसा चीज होती है। क्यों? वो फ्लैगशिप है। ऐसे ही हमारा प्रोडक्ट जो है वो फ्लैगशिप है। अभी आईफोन के साथ क्या कनेक्ट होगा, जिसने आईफोन ले लिया वो एंड्रॉयड चला नहीं पाएगा। फिर उसके पास कंपनी ने एक घड़ी बना दी, आई वॉच बना दी। अब आई वॉच में जो भी करेंगे वो आपके आईफोन में आ जाएगा, आईफोन में जो भी करेंगे इसमें आ जाएगा। फिर उन्होंने मैकबुक बना दी, लैपटॉप बना दिया एप्पल के, मैकबुक मैकबुक प्रो बना दी। आप अपने फोटो अगर आप क्लिक करेंगे वो आपकी घड़ी में भी आ जाएंगे और वो आपके लैपटॉप में भी आ जाएंगे। ये आपस में मिला दिए। क्यों? एक चीज जो है वो दूसरी चीज का ग्राहक लेके आ रही है, एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट का ग्राहक लेके आ रहा है। इसे कहते हैं दिमाग, मेंटेलिटी, इसे कहते हैं सेल्स, एडजॉइनिंग सेल्स, इसे कहते हैं एडजॉइनिंग सेल्स को बनाना। कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया, मार्केट में छोड़ा और उसके ऊपर बहुत बड़े लेवल पर काम किया, और जब वो ब्रांड बन गया, फ्लैगशिप फोन बन गया, उसके बाद उन्होंने घड़ी बनाना स्टार्ट किया, मैकबुक बनाना स्टार्ट किया, आईपैड बनाना स्टार्ट किया। आप किसी भी चीज के ऊपर, कोई भी चीज आप घड़ी के ऊपर कुछ कर लो, आपके फोन में आ जाएगी, आपके लैपटॉप में आ जाएगी,
आप लैपटॉप में कर लो, आपकी घड़ी में, हर तरीके से उसको कंपैटिबल बना दिया। इसे कहते हैं एडजॉइनिंग सेल्स। तो एडजॉइनिंग सेल्स का जो फंडा है ना, अभी सिर्फ आईफोन एप्पल कंपनी जो है उसके पास ही था। अब मार्केट में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि वो प्रोडक्ट्स में यूज करना स्टार्ट कर दिया दोस्त, उसको प्रोडक्ट में यूज करना स्टार्ट कर। अभी हमारा जो रेनेटस नोवा प्रोडक्ट है, हमारा जो ये बॉटल है, हमारा रेनेटस नोवा, हमारा जो प्रोटीन है उसके साथ मैच है, उसके साथ मैच है। हमारा जो एलोस्टीन है वो भी मैच है, हमारा जो नोवास्टीन है वो भी मैच है, क्योंकि सारे के सारे प्रोडक्ट नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो कैप्सुलेशन के ऊपर आधारित है। इनका बेस मैंगोस्टीन एक ही है। तो आप चाहे ब्रश करें, आप चाहे नहाएं, आप चाहे मुंह धोएं, आप चाहे बाल धोएं, आप चाहे प्रोटीन लें, आप जो मर्जी करें, वो सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, वो और एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक दूसरे को वो यहां पर सपोर्ट करती हैं। दोस्त आपने कैप्सूल खा लिए, यहां सेशन में किसी ने व्हाइट बोर्ड ऐड कर दिया है, कृपया इस व्हाइट बोर्ड को हटा दीजिए, थैंक यू सो मच। और दोस्त आप सोच के देखिए, बहुत बड़ा पॉइंट है। और क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं ये चीज, क्या आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? आपस में कनेक्टेड है ये, हमारे सारे प्रोडक्ट आपस में कनेक्टेड हैं। आपने कैप्सूल खाया और कैप्सूल अगर आप हमारे प्रोटीन के साथ ही ले लें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर आपको 100% रिजल्ट आ रहा है तो आपको 150% रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? हमारा प्रोटीन और हमारा कैप्सूल आपस में मिला हुआ है, उसकी जो जड़ है वो मिले हुए हैं, उसकी जो नैनो कैप्सुलेशन है वो आपस में जुड़ी हुई है। सोच के देखिए, इसको ऐड कीजिए अपने प्लान में कि दोस्त हमारा प्रोडक्ट जो है वो सारे प्रोडक्ट आपस में जुड़े हुए हैं। वाओ, ये कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी है। और आने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं दोस्त, वो सारे आपस में जुड़े हुए हैं, वो सारे आपस में जुड़े हुए हैं। आपने हमारा शैम्पू यूज किया, सिर धोया और आपने कैप्सूल खाया और आपने प्रोटीन लिया और आपने ब्रश किया और हमारे साबुन से आप नहाए, तो पूरी बॉडी में एक ही ट्रीटमेंट चला, रेनेटस नोवा, रेनेटस वेलनेस, एक ही ट्रीटमेंट चला। लेकिन उसको छोड़कर कहीं और देखिए, हम किसी अदर एबीसी कंपनी की बात करें या कोई भी मार्केट के प्रोडक्ट के बारे में बात करें, सिर धोया हेड एंड शोल्डर के साथ, उसके अलग है इंग्रेडिएंट, ब्रश किया कोलगेट के साथ, उसका इंग्रेडिएंट अलग है, नहाए लक्स के साथ, उसका इंग्रेडिएंट अलग है, खाया आपने रिवाइटल, उसका इंग्रेडिएंट अलग है, और आपने जो प्रोटीन पिया वो अलग से पी लिया, उसका इंग्रेडिएंट अलग है। तो बॉडी क्या रिजेक्ट करेगी? पेट में अंदर कुछ और है, पेट के बाहर कुछ और है, बालों पे कुछ और है, दांतों पे कुछ और है, स्किन के ऊपर कुछ और है, क्या रिएक्ट करेगी? लेकिन अगर सारी चीजें एक ही हो जाएं, नहाने से लेकर ब्रश करने से लेकर खाने तक, प्रोटीन तक, बाहर से भी रेनेटस, अंदर से भी रेनेटस, मैं तो ये कहूंगा कि रेनेटस हमारी रगों में दौड़ने लग जाता है। दोस्त हमारी रगों में खून थोड़ी है, रेनेटस भाग रहा है दोस्त। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, प्लीज इसको ऐड कीजिए, बताइए लोगों को, बताइए। और हमारा प्रोटीन है वो अलग कैसे है? हमारा प्रोटीन जो है, आप देखिए, आपको हंसी आएगी बहुत। आप मार्केट से कोई बेहतरीन प्रोडक्ट लेकर आइए, चलो ये हमारी खुद की जूम मीटिंग है, यहाँ पर मैं बोलता हूँ, दुनिया का आज तक माने जाने वाला जो बेहतरीन प्रोटीन था उसका नाम है एश्योर, ACCURE, एश्योर। एश्योर अमेरिका का ब्रांड है और उसका प्रोटीन बहुत ही बेहतरीन माना जाता है, टॉप क्लास माना जाता है, बड़े बड़े डॉक्टर उसको रेकमेंड करते हैं। लेकिन आप उसका एक डब्बा लीजिए और उस डब्बे के पीछे मोड़ के देखिए, भाई वो डब्बा किस चीज का है? प्रोटीन का। वो डब्बा किस चीज का है? प्रोटीन। हमने प्रोटीन ही खरीदा ना मार्केट से, प्रोटीन का डब्बा ले लिया। प्रोटीन के पीछे जब देखें इनके इसके इंग्रेडिएंट क्या है, उसमें आप देखकर हैरान हो जाएंगे, 15-20% ही उसमें प्रोटीन है, बाकी सारे फ्लेवर्स। बताओ, हम तो प्रोटीन लेने गए थे, उसके अंदर पता नहीं क्या घमासान डाला हुआ है उन्होंने। प्रोटीन कितना है? मात्र 20%। हद है यार, ये भी राजदीप गुप्ता सर ने हमें बताया, देखो ये देखो,
कंपनी खुद बोल रही है कि इसमें ये क्या कर लोगे। हमारा जो प्रोटीन है एक्चुअली आप अगर गूगल करके देखें 1000 तरह के प्रोटीन होते हैं, नोट कीजिए 1000 तरह के प्रोटीन होते हैं। हमारे बालों को प्रोटीन चाहिए, हमारी आंखों को प्रोटीन चाहिए, हमारे मसल को प्रोटीन चाहिए, हमारी बोन्स में प्रोटीन चाहिए, हर चीज को 1000 तरह के प्रोटीन होते हैं। अभी जो मार्केट में प्रोटीन बिकते हैं ना वो मोस्टली एक तरह का प्रोटीन है, मसल प्रोटीन, दैट्स इट। आपके जोड़ों में दर्द है, प्रोटीन ले लो, उनको कुछ नहीं लेना देना आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है कम है या क्या है, प्रोटीन दे दो वो जोड़ों का दर्द और बढ़ जाता है। हमारा प्रोटीन अलग कैसे है? हमारा प्रोटीन क्यों अलग है? क्योंकि ये जो प्रोटीन है ये हाई प्रोटीन है, जो बॉडी को चाहिए वो प्रोटीन है। और आपको मैं बता दूं हमारा रेनेटस नोवा उसमें भी प्रोटीन है, उसमें भी प्रोटीन है 5%। और ये जो प्रोडक्ट है इसमें 33-35% इसमें प्रोटीन है हमारे प्रोटीन में। और इसमें क्या ऐड किया गया है? प्रोबायोटिक फाइबर्स ऐड किए हैं, हाई कैल्शियम और मैग्नीशियम ऐड किया। क्यों? देखो मैंने आपको बताया कि आपस में पहले कंपेटिबल है। प्रोटीन का काम क्या होता है? प्रोटीन का काम होता है, ध्यान से सुनिए, अगर आप ये समझ गए तो आप प्रोटीन का बहुत बड़ा व्यापार कर देंगे। प्रोटीन का काम क्या होता है? प्रोटीन हमारी बॉडी में, हमने जो कुछ भी खाया वो हमारे पेट में गया, हमारे पेट में प्रोटीन के अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं। वो ब्लॉक्स क्या करते हैं? वो एक मैसेंजर का काम करते हैं, एक एक ड्राइव का काम करते हैं। उसमें से प्रोटीन अलग अलग करके वो टाइप का प्रोटीन कहाँ कहाँ चाहिए, बालों को कौन सा प्रोटीन चाहिए उसमें से निकालते हैं, बालों को पहुंचा देते हैं। मसल को कौन सा प्रोटीन चाहिए वो प्रोटीन निकालते हैं, मसल को पहुंचा देते हैं। बोन्स को क्या चाहिए, आंखों को क्या चाहिए, दिल को क्या चाहिए, सारे प्रोटीन्स को अलग अलग करते हैं और उसको अलग अलग पहचान देते हैं। और सबसे बड़ा जो प्रोटीन हमारी बॉडी में होता है ना, वो प्रोटीन का नाम है लेमिनिन। आप नोट कीजिए LAMININ, लेमिनिन। आप उसको गूगल करके देखें, आप हैरान हो जाएंगे। वो प्रोटीन सबसे बड़ा प्रोटीन, सबसे बेहतरीन प्रोटीन जो हमारी बॉडी में है वो है लेमिनिन प्रोटीन। लेमिनिन प्रोटीन अगर आपका हेल्दी है, वो लेमिनिन सेल अगर आपकी बॉडी का हेल्दी है, आपको किसी और प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा प्रोटीन जो है वो लेमिनिन प्रोटीन के ऊपर काम करता है। आप उसको अगर देखेंगे ना, गूगल कीजिए, आप उसको अगर देखेंगे ना तो वो ऐसा होता है, ऐसा दिख रहा है आपको, ऐसा ऐसा दिखेगा वो माइक्रोस्कोप में, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसे ऐसे एक रॉड होगी और ऐसे रॉड होगी, जैसे वो चर्च के बाहर नहीं लगा होता, क्रॉस लगा होता है चर्च के बाहर, जो क्रॉस लगा होता है ऐसा होता है वो लेमिनिन प्रोटीन। और उसका मकसद क्या होता है ना, सारे प्रोटीन्स को एक साथ रखना। जितने भी प्रोटीन्स हमारी बॉडी में है वो सारे प्रोटीन्स को एक साथ रखना। आज जरूर ये करना, ये सेशन के बाद ना आप गूगल सर्च जरूर करना, लेमिनिन प्रोटीन लिखना जरूर, लेमिनिन प्रोटीन उसके बारे में देखना। लेमिनिन प्रोटीन हमारी बॉडी को उसका पेंडुलम सुधार के रखता है, उसका पेंडुलम सुधार के रखता है। और बाकी जितने भी प्रोटीन है, यानी कि बाकी जितने भी ऑर्गन्स के यूज होने वाले प्रोटीन है, उनको एक मात्रा में संतुलित रखता है और आपस में जोड़ के रखता है, आपस में जोड़ के रखता है। तो ये बेहतरीन प्रोटीन को क्या चाहिए? इसको कैल्शियम भी चाहिए, इसको मैग्नीशियम भी चाहिए, इसको फाइबर भी चाहिए, इसको विटामिन और मिनरल भी चाहिए, और इसको इनहांसिंग हर्ब्स भी चाहिए। ये सारी चीजें चाहिए तो एक लेमिनिन प्रोटीन जो है वो हेल्दी होता है। तो हम लोग कहाँ काम कर रहे हैं, कंपनी कहाँ पे काम कर रही है? जड़ के ऊपर, लेमिनिन प्रोटीन के ऊपर काम कर रही है। कहाँ काम कर रही है? लेमिनिन प्रोटीन के ऊपर काम कर रही है। तो इसीलिए इसमें प्रोबायोटिक फाइबर है, हाई कैल्शियम मैग्नीशियम है, और इम्यूनिटी को एनहांस करने के हर्ब्स हैं, इसमें प्रोबायोटिक्स हैं, लो फैट है, और विटामिन और मिनरल्स से भरपूर है। आप सोचिए, जो मैंने ये प्रॉपर्टीज आपको अपने प्रोटीन के बारे में बताई है, ये सेम मिलती जुलती नहीं है, ये सेम मिलती जुलती है हमारे रेनेटस नोवा के साथ। इसीलिए मैंने बोला ये हमारा प्रोडक्ट आपस में जुड़ा हुआ है। दोस्त, हमारा प्रोटीन और हमारे कैप्सूल, जो व्यक्ति लगातार लेना स्टार्ट कर गया ना, लगातार लेना स्टार्ट कर गया, उसके सारे ऑर्गन्स हेल्दी हो जाएंगे, सारे ऑर्गन्स हेल्दी हो जाएंगे, और उसको कभी भी कोई बीमारी नहीं लगेगी।
और वो बिल्कुल हेल्दी जीवन जो उस ईश्वर ने उसको समय दिया है इस धरती के ऊपर, जितना भी दिया है, 70 साल 80 साल 60 साल 100 साल जितना भी दिया है, वो हेल्दी तरीके से जिएगा। तो इसको दबाकर प्रमोट कीजिए। और बाकी जितने भी हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, सबके बारे में अगर मैं बोलूंगा ना तो कम से कम एक महीना मॉनसून सेशन चलना चाहिए। लेकिन मैंने जो जड़ की बात थी वो मैंने आपको बता दी, सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड टॉप क्लास प्रोडक्ट्स हैं सारे, और बड़े ही बेहतरीन प्रोडक्ट हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारे जो ये प्रोडक्ट्स हैं इन प्रोडक्ट्स की जरूरत क्या है, हमारे प्रोटीन की जरूरत क्या है, हमारे कैप्सूल की जरूरत क्या है, क्यों मार्केट में लोग इसको खरीदेंगे। देखिए हमारी बॉडी में एक दिन में, हमारी बॉडी में एक दिन में हम 100 के जब उठते हैं ना, तो एक दिन में हमारी बॉडी को क्या चाहिए, 13 तरह के विटामिन चाहिए। नोट कीजिए, 13 विटामिन्स पर डे, अब बॉडी नीड्स 13 विटामिन्स पर डे। हमारी बॉडी को 13 विटामिन पर डे चाहिए ही चाहिए, 9 मिनरल्स चाहिए, 7 प्राकृतिक फाइबर चाहिए, 42 जेनेथॉन्स चाहिए। नोट कीजिए, आप पूछिए जब भी आप किसी व्यक्ति के पास जाएं, उसको प्लान करने की कोशिश करें, उसको प्रोडक्ट के बारे में बताएं, तो उसको ये यही से शुरुआत कीजिए। सर आप ना नोट कीजिए, आप स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हैं स्क्रीन रिकॉर्ड कीजिए, जूम रिकॉर्ड मत करना, स्क्रीन रिकॉर्ड कीजिए अगर आप करना चाहते हैं, ये आपके लिए टूल बन जाएगा। कीजिए स्क्रीन रिकॉर्ड कीजिए, मैं आपको बताता हूँ, शुरू से बताता हूँ, मैं आपको एक्टिंग करके दिखाता हूँ, आप स्क्रीन रिकॉर्ड कीजिए। सर हमारे सिर से लेकर हमारे पांव तक, पांव के नाखून तक, हमारी बॉडी में टिश्यूज और ऑर्गन्स को मिला के, सारी चीजों को मिला के 106 ऑर्गन्स एंड टिश्यूज होते हैं जिनको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। हमारे बालों को विटामिन ई की जरूरत होती है, उसके नीचे हमारा दिमाग आता है, इसको विटामिन B12 की जरूरत होती है, उसके बाद हमारी आंखें हैं, इसको विटामिन सी की जरूरत होती है, उसके बाद हमारी बोन्स हैं, बोन्स को विटामिन डी और के की जरूरत होती है, हमारा हार्ट है ओमेगा 3 की जरूरत होती है। ऐसे ही हमारी पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए। लेकिन क्या हम रोज जो खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन है? नहीं है सर। हम क्या खा रहे हैं, गेहूं, चावल, कुछ दालें, कुछ सब्जियां, बस, और कुछ नहीं खा रहे हैं। क्या उसमें न्यूट्रिशन है? नहीं है। उसमें स्प्रे है, उसमें फर्टिलाइजर है, उसमें जहर है। इसीलिए हमारी बॉडी में क्या है, इसीलिए हमारी बॉडी में परेशानियां हैं, बीमारियां हैं। अगर हम चाहते हैं कि उस बीमारी उस परेशानी को हम दूर कर दें, तो हमें क्या चाहिए, एक दिन में सर हमें 13 विटामिन्स लेने पड़ेंगे, 9 मिनरल्स लेने पड़ेंगे, 7 प्राकृतिक फाइबर लेने पड़ेंगे, 42 जेनेथॉन लेने पड़ेंगे, 20 अमीनो एसिड्स लेने पड़ेंगे, फैटी एसिड लेने पड़ेंगे, ओमेगा 3 लेना पड़ेगा और 6-9 ये खुद बना देता है, प्रोटीन लेना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ेगा, एंटीऑक्सीडेंट लेना पड़ेगा। ये सारी खुराक अगर लेना चाहें तो मैं आपको बताता हूँ, विटामिन लेने के लिए आपको 4 तरह के फ्रूट खाने पड़ेंगे। जितना आपका बॉडी वेट है उसको ग्राम में कन्वर्ट करके, अगर आप 1 क्विंटल के हैं तो आपको 1 किलो यानी कि 250-250 ग्राम पाइया पाइया 4 तरह के अलग अलग फ्रूट्स जो है आपको डेली उठ के खाने पड़ेंगे। अगर आपको 9 मिनरल्स पूरे करने हैं तो आपको ऐसे तरल पदार्थ जो है वो पीने पड़ेंगे जो लगभग 1000 फीट नीचे से पानी जो निकलता है, जो हिमालय से जो पानी आता है उस पानी में ये मिनरल्स पाए जाते हैं, और कम से कम 6 से 7 लीटर पानी अगर आप वो पिएंगे तो मिनरल्स आपको वो मिलेंगे। प्राकृतिक फाइबर लेने के लिए, आज के जमाने में हमें पता है कि फाइबर जो है वो एप्पल में पाया जाता है, या जो हम वो पपाया खाते हैं, पपीता खाते हैं, उसमें पाया जाता है। अगर आपको 7 प्राकृतिक फाइबर चाहिए तो 7 फल ऐसे अलग अलग फाइबर वाले, जैसे आपको अपनी बॉडी वेट के अनुसार 100 ग्राम बादाम खाना पड़ेगा उसमें फाइबर है, फिर उसके बाद आपको 100 ग्राम एप्पल खाना पड़ेगा उसमें फाइबर है, फिर 100 ग्राम पपीता खाना पड़ेगा उसमें फाइबर है। ऐसी अलग अलग 7 चीजें प्राकृतिक फाइबर लेने के लिए वो खानी पड़ेंगी, पेट का पतीला बन जाएगा। 42 जेनेथॉन्स लेने हैं तो आपको फ्रूट्स के छिलके खाने पड़ेंगे क्योंकि छिलकों में जेनेथॉन्स होते हैं। अगर आपको 20 अमीनो एसिड्स चाहिए तो आपको ऐसी चीजें लेनी पड़ेगी जिसमें सिट्रिक होता है, जैसे कि नींबू या खट्टी चीजें जो होती हैं वो आपको लेना पड़ेगा। और आपको ओमेगा लेना है तो आपको मछली खानी पड़ेगी, आपको राई खानी पड़ेगी, और मछली भी उबाल के खानी पड़ेगी, आप तलेंगे तो उसका ओमेगा खत्म हो जाता है। तो भाई अगर आपको प्रोटीन लेना है तो आपको बॉडी वेट के अनुसार उसको ग्राम में कन्वर्ट करके आपको रेड मीट लेना पड़ेगा, या आपको उतने अंडे खाने पड़ेंगे, या आपको
ब्रोकली खानी पड़ेगी, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आपको उचित मात्रा में भोजन लेना होगा, फिर एंटीऑक्सीडेंट लेने के लिए। अरे भाई इतनी बड़ी लिस्ट है, अगर ये हमारी बॉडी में जाएगा तो हमारे पेट का पतीला बन जाएगा भाई, इतना हम नहीं खा सकते, इतना हम नहीं खा सकते। लेकिन ये जरूरी है हमारी बॉडी के लिए कि ये हमें मिले, तो उसके लिए क्या जरूरी है भाई, 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल शाम को। क्या आपके पास कोई और रास्ता है? नहीं है तो कृपया इसको स्टार्ट कीजिए, आपके 106 ऑर्गन्स हेल्दी हो जाएंगे, तो आपकी बॉडी में से सारी बीमारियां बाहर चली जाएंगी और आप लाइट फील करेंगे। और अगर आप लाइट नहीं फील करेंगे तो मैं हूं, मैं बैठा हूं, मैं जिम्मेवारी लेता हूं उसकी। और अगर आपने ये प्रेजेंटेशन कर दी ना, तो दुनिया का कोई माइक का लाल नहीं है दोस्त, कोई माइक का लाल नहीं है जो आपको ना कह दे, कोई माइक का लाल नहीं है जो आपको ना कह दे, क्योंकि सब हेल्दी रहना चाहते, सब हेल्दी खाना चाहते। अरे शादी में जाके पकौड़ा भी खाते हैं ना, तो पकौड़ा पकड़ के पहले उसको टिश्यू से ऐसे ऐसे दबाते हैं, उसका एक्यूप्रेशर करते हैं पहले पकौड़े का, उसकी जान निकाल देते हैं, फिर खाते हैं कि कहीं तेल अंदर चले ना जाए। ये सच बोल रहा हूं मैं, खाने के बाद आधा घंटा पानी नहीं पीते हैं लोग, लोग चाहते हैं कि वो हेल्दी हो जाए। लेकिन अगर हम उनको समझाने में कामयाब हो गए कि भाई साहब आपकी बॉडी को आलू का परौठा नहीं चाहिए, आपकी बॉडी को विटामिन और मिनरल चाहिए, और मेरे प्रोडक्ट में वो भरपूर है, मेरे पास लिखित प्रमाण है, मेरे पास लिखित प्रमाण है, ये देखो मेरे पास वीडियोस हैं इसको खाने के बाद कैसे कैसे शरीर में बदलाव आ गए, ये देखो SSP, ये देखो DSP, ये देखो आर्मी पर्सन, ये देखो डॉक्टर खुद गले में स्टेथोस्कोप डालकर खुद बोल रहा है कि मैं डायबिटीज से परेशान था और रेनेटस नोवा ने मुझे चंगा कर दिया। सोचो, एक और बड़ी पते की बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आप हम सब मिलकर जितना भी खाना खाते हैं ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बस आटा चावल दाल सब्जी जो कुछ भी खा रहे हैं, मैदे से बनी चीजें जो कुछ भी खा रहे हैं, उसमें 90% 95% कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, वो आपके पेट को भरते हैं, आपकी जो टमी है ना, आपके पेट को वो भर देते हैं और आपको लगता है कि आपकी भूख शांत हो गई। लेकिन फिर 4 घंटे बाद, 3 दिन 3 टाइम खाना खाने की जरूरत नहीं है, अगर हम एक्यूरेट खाना खाएं तो 3 टाइम खाना खाने की जरूरत नहीं है। मैं एक सेलिब्रिटी के बारे में पढ़ रहा था, अपने सैफ अली खान जी हैं, सैफ अली खान लगता ही नहीं है कि वो बूढ़ा हो गया, उसकी इतनी उम्र है, 2 बार शादी कर ली, उसके बच्चे उसके उससे बड़े लगते हैं। अनिल कपूर जी हैं, अनिल कपूर जी को आप देखो लगते ही नहीं है वो, मैंने उनके बारे में पढ़ा, जब मैंने उनको पढ़ा मेरे दिमाग होश उड़ गए। वो वीक में हफ्ते में एक बार खाना खाते हैं, हफ्ते में एक बार खाना खाते हैं, तो वो इतने एनर्जेटिक कैसे रहते हैं? क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रिशन लेते हैं। अब देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सिर्फ पेट को भरते हैं, वो पेट को भर दिया, 4 घंटे बाद वो पेट खाली, फिर से भूख लग गई, हमें लगता है कि भूख लग गई, दोबारा खाओ, दोबारा फिर कार्बोहाइड्रेट, हमारे ऑर्गन्स भूखे रह जाते हैं। हमारे ऑर्गन्स को क्या चाहिए? विटामिन मिनरल, आलू का परोठा थोड़ी चाहिए हमारे ऑर्गन्स को, बिरयानी थोड़ी चाहिए हमारे ऑर्गन्स को, नहीं चाहिए हमारे ऑर्गन्स को ये चीजें। आप मेरे कहने से कच्चा सलाद काटे, बेल पेपर काटे, शिमला मिर्च काटे, बंद गोभी काटे, बारीक बारीक काटे, हल्का सा नींबू निचोड़े, काली मिर्च डालें और उसको खाएं। आज इसको खा के देखना, एक बाउल ले लें, एक बड़ा डोंगा ले लें, एक बाउल ले लें, उस बाउल में तीनों तरह की जो शिमला मिर्च होती है वो बेल पेपर और शिमला मिर्च दोनों उसमें डालें बारीक बारीक काट के, और उसके अंदर एक कैबेज डालें जिसको बंद गोभी हम बोलते हैं वो डालें काट के छोटी छोटी बारीक करके, उसमें हल्का सा नींबू नमक मिर्च वगैरह डाल के जो उसको आप खा के देखिए। आप मेरा नाम बदल देना अगर रात को 7 बजे तक आपको दोबारा भूख लग गई। क्यों? क्या हुआ भाई? विटामिन और मिनरल हमारे शरीर को मिले, हमारे ऑर्गन्स का पेट भर गया, और जब ऑर्गन्स का पेट भरता है ना तो भूख नहीं लगती है। हाँ, अगर जुबान के कारण आपको खाना है वो अलग बात है कि आपकी जुबान नहीं मांग रही है, लेकिन अगर आप अपने शरीर को देखेंगे ना, उसमें आ जाती है एपेटाइट, उसको कहते हैं एपेटाइट। वो एपेटाइट आप करके देखिए एक बार, आपको भूख नहीं लगेगी। आप एक बार खा लीजिए बाउल भर के, वो ना सैलेड का एक बार खा लीजिए, सारा सैलेड नहीं खाना, वही जो मैंने बोला वही चीजें आप एक बार खा के देखिए, आपके विटामिन मिनरल्स पूरे हो जाएंगे। आप खा के देखिए एक बार,
इससे क्या पता लगता है, हम कार्ब्स मत दें अपनी बॉडी को। ये प्रोडक्ट खाने के बाद बहुत लोगों का आया था, सर मैं मोटा हो गया। ये प्रोडक्ट क्या करता है, हमारे ऑर्गन्स को हेल्दी करता है। हमारे ऑर्गन्स को जब ये हेल्दी कर देता है तो भूख बढ़ती है, भूख बढ़ती है तो हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो फैट बनती है, फैट बनती है तो मोटे हो जाते हैं। अरे मेरे भाई, पतला होना है तो क्या करना है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स कच्चा ये चीजें खानी स्टार्ट करें, कार्बोहाइड्रेट्स को दूर करें। आप देखिए आपकी बॉडी यंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, आप जवान दिखने शुरू हो जाएंगे, आप पतले होने स्टार्ट हो जाएंगे। आप इसको करके देखिए, बताइए लोगों को। ये बहुत बड़ी चीज है जो मैंने आपको बताई। रोटी चावल खाने से पेट भरता है, न्यूट्रिशन नहीं मिलता, हमारे ऑर्गन का पेट खाली रह जाता है। और अगर आपने ऑर्गन का पेट भर दिया तो हमारा पेट ऑटोमेटिक भर जाता है, तो इसके ऊपर ध्यान दीजिए। और अगर आपको बहुत बड़ा काम करना है न्यूट्रिशन में, रेनाटस वेलनेस में, अगर आप बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं तो आपको एक किताब पढ़नी पड़ेगी जिसका नाम है क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है। आप नोट कीजिए, रेडी स्ट्रैंड एक एमडी है, रेडी स्ट्रैंड एक एमडी है और ये यूएसए में स्थित एक बहुत बड़े सर्जन का नाम है, रे डी स्ट्रैंड। ये बहुत एमडी मेडिकल डॉक्टर जिसको हम बोलते हैं, जो कि डॉक्टरों का डॉक्टर होता है, एक रिसर्च करने वाला डॉक्टर, बीमारी के ऊपर एक नवी दवाई बनाने वाला एक डॉक्टर, रिसर्च डॉक्टर, वो एक डॉक्टर, उसने अपनी बुक लिखी है। वो मैं स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, उससे आपका विजन क्लियर हो जाएगा। जब एक डॉक्टर है, उसका नाम है रेडी स्ट्रैंड, उस रेडी स्ट्रैंड डॉक्टर ने अपने जीवन काल में करोड़ों लोगों की जिंदगियां बचाई, ऐसी ऐसी बीमारियों का इलाज किया जब बाकी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। लोग भगवान के बाद रेडी स्ट्रैंड को पूजते थे, उसके सामने दंडवत करते थे, उसके सामने झुकते थे। एक दिन क्या हुआ कि रेडी स्ट्रैंड जो था, उसकी खुद की पत्नी बीमार हो गई। उसने उसका इलाज करना स्टार्ट किया, पर वो दिन बर दिन वो बीमार होती गई। और एक दिन ऐसा आ गया कि वो चारपाई के ऊपर लेट गई, उसका उठना बैठना बंद हो गया, उसका लैट्रिन पेशाब सब बिस्तर में निकलने लग गया। और रेडी स्ट्रैंड एक दिन ऐसे होकर बैठ गया कि मैं दुनिया का बेहतरीन डॉक्टर अपनी वाइफ को बचा नहीं पा रहा हूं, ऐसी कौन सी दवाई दे दूं जिससे मेरी वाइफ बच जाए, मैं क्या करूं, मैं इसको मरते हुए नहीं देख सकता। अगर ये मर जाएगी कोई बात नहीं, ईश्वर की जो मर्जी, लेकिन मेरे करियर का क्या होगा, लोग मुझे थू करेंगे कि इतना बड़ा डॉक्टर लोगों का इलाज करता है, अपनी घरवाली का इलाज नहीं कर पाया, क्या होगा, सोच के देखिए उसकी परिस्थितियां कैसी हैं। अभी सुबह का समय है, मोस्टली आप घर पे होंगे, देखिए अपनी वाइफ की तरफ, देखिए अपनी वाइफ की तरफ देखिए, क्या आप उसको तड़पते हुए देख सकते हैं, क्या आप उसको तिल तिल मरते हुए देख सकते हैं, कलेजा मुंह को आ जाता है, नहीं देख सकते हैं दोस्त। क्यों? क्योंकि वो हमारा हिस्सा है, हमारा हिस्सा है। सोच के देखिए उस डॉक्टर के दिल में क्या बीत रही है, सोच के देखिए, अंदर ही अंदर कितना रो रहा होगा, लेकिन फिर भी लोगों के सामने जब जाता होगा, ऑल इज गुड, यस या आई एम डॉक्टर, ऑपरेशन ये वो सब कुछ कर रहा होगा, लेकिन जब घर आता होगा तो उसकी कमर टूट जाती होगी जब वो अपनी वाइफ की तरफ देखता। तो उस डॉक्टर ने पूरा सब कुछ करके देख लिया, हर तरह की दवाई दुनिया के कोनों कोनों से लाकर देख ली, पर उसकी वाइफ ठीक नहीं हुई, दिन बर दिन मौत के करीब जा रही थी। एक दिन क्या हुआ, उस डॉक्टर का अपना ही एक असिस्टेंट कंपाउंडर, उसने आके अपने डॉक्टर से कहा, सर अगर आप बुरा ना माने, मेरे पास एक न्यूट्रिशन है, अगर ये न्यूट्रिशन आप अपनी बीवी को दें तो मेरा विश्वास है कि आपकी बीवी चंगी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर ने बोला, ओए मैं हूं डॉक्टर, तू कौन है, चल निकल यहां से, उठा अपनी गोलियां। बड़ा आया न्यूट्रिशन का, तेरी क्या स्टडी है, पता तुझे क्या होता है एमडी, तुझे पता लोग मुझे सलाम ठोकते हैं, तुझे पता लोग मेरे आगे अगरबत्ती जलाते हैं, ऐसी बातें की है उसने, उसमें ईगो आ गई बहुत ज्यादा। फिर दोबारा चार पांच दिनों के बाद उसने बोला, सर प्लीज हाथ जोड़ के विनती, आपकी वाइफ है हमारी भी मालकिन, हम भी चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए, वो बहुत अच्छी, वो दिल की बहुत अच्छी है, मैं चाहता हूँ कि वो ठीक हो जाए, हम सब उससे बहुत प्यार करते हैं, प्लीज आप ये न्यूट्रिशन दे दो ना।
दुनिया भर की दवाइयां खिला के देख ली, ये भी खिला के देख लो। बोला नहीं, कुछ नहीं होता इसमें। कहता सर फ्रूट्स है, मशरूम चेरी बेरी, नहीं नहीं दूंगा। तो एक दिन क्या हुआ, डॉक्टर 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर गया था, सर्जरी करने किसी दूसरे देश गया था। पीछे से उस कंपाउंडर ने क्या किया, वो न्यूट्रिशन लाकर उस अपनी मेम साहब को दे दिया, डॉक्टर की वाइफ को दे दिया। उसको बोला कि प्लीज सिस्टर आप इसको लेना स्टार्ट करो। उसकी बीवी ने उसको खाना स्टार्ट किया, न्यूट्रिशन को लेना स्टार्ट किया। इस बुक में लिखा हुआ सब कुछ, मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये सच्चाई है। उसने, उसकी वाइफ ने उसको लेना स्टार्ट किया और उसका हस्बैंड वापस आ गया टूर से और वो रात को सोए तो, और डॉक्टर और उसकी वाइफ दोनों एक साथ सोए पलंग के ऊपर, इधर उधर एक साथ सोए। सुबह जब डॉक्टर उठा लगभग 5:30-6 बजे उठा तो उसने देखा कि उसके बिस्तर के ऊपर उसकी वाइफ नहीं। उसके रोंगटे खड़े हो गए, होश उड़ गए, कहीं मेरी वाइफ रात को मर तो नहीं गई है, कहीं उसको उठा के ले तो नहीं गए। वो एकदम से जैसे उठा और उसने देखा तो एक बड़ी सी खिड़की थी उसके बेडरूम के पास, तो उसने खिड़की में से देखा उसकी वाइफ जो पिछले कई महीनों से बिस्तर के ऊपर लैट्रिन पेशाब कर रही थी, उसकी वाइफ लॉन में घूम रही है। वो हैरान हो गया, परेशान हो गया, अरे ये क्या देख रहा हूं मैं। भाग के गया और उसने अपनी वाइफ को गले से लगाया और बोला ये मैं खुश हो गया आपको देख करके, आप ऐसे घूम रही हैं, क्या खाया आपने, कौन सी दवाई खाई। उसने बोला कि कंपाउंडर देकर गया था, फिर डॉक्टर वहां पर रोने लगा, उसने उस कंपाउंडर को वापस बुलाया, फिर उसके बाद उसने पोषक तत्वों के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर पढ़ा, और जब उसने पढ़ा फिर उस, वो पहला व्यक्ति है पूरे विश्व में रेडी स्प्रैंड जिसने यूएसए से न्यूट्रिशन की प्रैक्टिस स्टार्ट की और उसने लोगों को चंगा करना स्टार्ट किया न्यूट्रिशन के द्वारा, और उसने ये बुक लिख दी, इसमें अपनी पूरी स्टोरी लिख दी ताकि वो लाखों बहनें, वो लाखों माताएं, वो लाखों बेटियां बच जाएं जो मौत के किनारे पड़ी हैं, बच जाएं। तो दोस्त ये बुक अगर आपने पढ़ ली ना तो बड़ा सा बड़ा डॉक्टर जो मर्जी हो, चाहे उसकी 5 लाख सैलरी है, 10 लाख सैलरी है, आप ऐसे बैठ जाओगे उसके सामने ठोक कर, ऐसी की तैसी करो बात मुझसे, ऐसी ऐसी चीजें इस बुक के अंदर है। तो इस बुक को जरूर आप पढ़िएगा। तो दोस्तों अभी टाइम हो चुका है 7:32, बाकी का सेशन जो है हम कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा चाहता हूं, थैंक यू सो मच, बैक टू होस्ट, सभी होस्ट जो हैं कृपया अपनी कमान संभालें और आगे की गतिविधियों को करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। रॉकिंग रेनाटस, रॉकिंग रेनाटस, रॉकिंग रेनाटस, थैंक यू सो मच सर, वाओ मार्वलस, क्या बात है सर, रोंगटे खड़े कर दिए आज, बहुत जबरदस्त एंड बहुत शानदार नॉलेज मिली आई थिंक सभी को। यही नॉलेज हमारे बिजनेस को गेन करेगी और यही नॉलेज से हम अपनी खुद को स्वस्थ रखेंगे और लोगों को हम अब और ज्यादा ठीक करेंगे। और अभी अभी मैं पर्सनली अपना कुछ एक्सपीरियंस है, पर्सनली कुछ बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मेरे फादर साहब हैं, फादर साहब ने मेरे जूम सुन रहे थे और मेरे फादर साहब कभी भी यकीन नहीं करते थे इस चीज के ऊपर, लेकिन आज इंद्रपाल सर ने, सर थैंक यू सो मच आपका, कि आज आपने मेरे फादर साहब का जो माइंड है वो बिल्कुल ही क्लियर कर दिया, बिल्कुल ही क्लियर कर दिया, क्योंकि वो किसी की बात नहीं मानते थे, आज उन्होंने सुना और वाकई आज उन्होंने मतलब इस चीज को माना कि हाँ ये चीज संभव है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत शानदार तरीके से। जी सर, फिर सर बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं भी सभी रिनोवियन को ये कहना चाहूंगा कि आज का सेशन था जो बहुत ही धमाकेदार और डीप नॉलेज के साथ इंद्रपाल बराड़ जी ने लगाया। थैंक यू सो मच इंद्रपाल बराड़ सर, आपने सभी रिनोवियन को इतनी डीप नॉलेज दी है कि अपना ये बिजनेस है जो हमारा विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप है वो वाकई बहुत शिखर पर जाने वाला है। और मैं अब आप सभी पर्सन को बोलना चाहूंगा कि कंग्रेचुलेशन देना चाहूंगा कि आज हम करीब 850 के करीब पार्टिसिपेट हो गए थे फ्रेंड, ये आपका ही जज्बा है, आपका ही जोश है। और मैं ये कहना चाहूंगा जैसे आज केडी सर बता रहे हैं कि उनके फादर साहब ने आज मीटिंग को अटेंड किया, कल का जो सेशन है वो इससे भी जबरदस्त होने वाला है, इससे भी जबरदस्त होने वाला है। इसलिए कल फिर आप अपने सभी लीडर्स को अभी से कॉल करके बताना स्टार्ट कीजिए कि कल का जो जूम का सेशन है वो हमारे लिए कितना बेस कीमती है,
एक एक पर्सन को जोड़ना है, पूरी फैमिली को लेके बैठना है, पूरे परिवार को लेके बैठना है, एक घंटा पूरे काम छोड़ के पूरी फैमिली को लेके इस जूम सेशन पे बैठना है। कल को बड़ी डीप नॉलेज दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच केडी सर, कैरी ऑन। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और भी है, क्योंकि अगर क्योंकि ये इसमें टेक्निकली हमें नॉलेज मिलती है, अगर आप अपने परिवार को अपनी फैमिली के पर्सनल फोन के अंदर जूम डाउनलोड करके अगर उनको भी आप जूम सेशन में बिठाओगे, तो मेरा वादा है, आप हमारी जितनी भी अपलायंस है, इनका वादा है कि आपका परिवार आपका डबल साथ देगा, डबल साथ देगा, क्योंकि उनका एक विजन क्लियर हो जाएगा। कहते हैं ना, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं। जी हाँ साथियों, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, क्यों? क्योंकि हम कर्म अच्छे कर रहे हैं, हम लोगों से दुआएं ले रहे हैं। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। और आज का सेशन बहुत शानदार रहा, और अब हम बढ़ते हैं काउंटिंग की। और सबसे पहले मैं माफी चाहूंगा, क्यों चाहूंगा, क्योंकि आज हमारे जूम सेशन के अंदर बहुत सारे साथी ऐसे थे जिनके कोड डबल हो चुके थे, तो थोड़ा सा अगर काउंटिंग में ऊपर नीचे हो जाए तो माफी चाहूंगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 23B27 विनय कुमार जी, जो कि जौनपुर से हैं, आज इनका जो एक पार्टिसिपेंट था। और उसके बाद 22 पे नंबर पे V15 सतीश वालिया जी, जिनके आज चार पार्टिसिपेंट थे। और 21 पे प्रधान पे V13 सचिन कुमार जी, जिनके सात पार्टिसिपेंट थे। और 20V33 जितेंद्र सिंह जी, जिनके आज 9 पार्टिसिपेंट थे। और 19 पे प्रधान पे V14 हरदीप सिंह जी, जिनके आज 12 पार्टिसिपेंट थे। और आज 18वीं पोजीशन पे रहे हैं V11 मनीष शर्मा जी, जिनके आज 11 पार्टिसिपेंट थे, और इनका कोड भी 11 है और इनके पार्टिसिपेंट भी आज 11 है। और 17वीं पोजीशन पे ऊपर रहे हैं V22 पूरन कटारिया जी, जो कि राजस्थान से हैं, सुदामा जी, और इनके साथ है अहमदाबाद से हैं, आज इनके 14 पार्टिसिपेंट है। V07 कुलविंदर सिंह जी वासियर, इनके 17 पार्टिसिपेंट है। V36 कवल जी सर एंड सतनाम सर, इनके 17 पार्टिसिपेंट है। और V05 जगदीप सिंह जी एंड फिटदीप अमन जी, जो कि ये हमीदी से हैं, और इनके आज 22 पार्टिसिपेंट है। और V02 कृपेश जी खन्ना से, जो कि इनके 23 पार्टिसिपेंट है। V01 दिलबाग सर, इनके 25 पार्टिसिपेंट है। V20 दिलदार प्रीत सर एंड गुरपेश सर, इनके आज 28 पार्टिसिपेंट है। V35 अभिषेक सर एंड जैस्मिन कौर मैम, इनके 31 पार्टिसिपेंट है। और V16 लखवीर सिंह जी, जो कि वनूर से हैं, बहुत शानदार तरीके से वर्किंग कर रहे हैं, इनके आज 31 पार्टिसिपेंट है। और V31 दविंदर मराड जी, जो कि एक बहुत शानदार पर्सनैलिटी है, इनके 35 पार्टिसिपेंट है। और V03 जसविंदर कौर संधु, जो कि अमृतसर से हैं, और विद बलवीर कौर रायकोट से बिलोंग करते हैं, इनके टोटल आज 40 पार्टिसिपेंट है। V21 देव जी एंड दिलशाद जी एंड अरविंद सर, इनके आज 42 पार्टिसिपेंट है। और 7 पोजीशन के ऊपर आज 2 काउंट हो चुके हैं। V23 हरप्रीत सिंह नाभा से हैं, और इन दोनों ने एक ही रैंक को हासिल किया है, और इनके V24 पार्टिसिपेंट है। और 6वीं पोजीशन पे V32 नरेंद्र धीमान जी, इनके 44 पार्टिसिपेंट है। और आज जो टॉप 5 में आए हैं V08, जो कि पहले फर्स्ट पोजीशन पे आते थे, आज इनका जो नंबर है वो आज 5th पोजीशन पे है। गोविंद कुमार शाहू जी एंड मुकेश जी एंड सुशीला जी, इनके 47 पार्टिसिपेंट है। और 4वीं पोजीशन पे आज रहे हैं 34 रविंद्रा सर, जिनके 48 पार्टिसिपेंट है। और टॉप 3 V30 कुलदीप सिंह जी एंड डॉक्टर जोगिंदर सिंह जी, आज इनके 50 पार्टिसिपेंट है। और सेकंड भी जो आज पोजीशन रही है वो रही है आज चरणजीत सिंह मठारू जी की, इनके 61 पार्टिसिपेंट है। और उसके बाद जो आज 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 फर्स्ट भी पोजीशन पे रहा है, और आज इन्होंने एक बड़ी मल मारी है, वो है V04 गुरजंट सिंह जी लड्डा। आप क्लैपिंग कर सकते हो, जबरदस्त गुरजंट सिंह जी लड्डा, इनके जो 87 पार्टिसिपेंट है। तो साथियों, बहुत सारे साथियों ने बहुत सारा जोर लगाया, 800 से प्लस की काउंटिंग की है, और कल हमने इससे और ज्यादा जोर लगाना है, और 1000 का आंकड़ा हमने पार करना है। और यहीं पे हम बाइंड अप करते हैं। केडी जी, गुरजंट सिंह लड्डा को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ फर्स्ट पोजीशन पे आने के लिए।
आप सभी चैट बॉक्स में क्लैपिंग कीजिए गुरजंट सिंह जी लड्डा के बारे में। और दूसरा एक ना आपने कोड बोला था जो दिलदार प्रीत जी और गुरप्रीत सिंह जी का एक कोड नहीं है, उनके डिफरेंट डिफरेंट कोड हो चुके हैं फ्रेंड्स। जो भी काउंटिंग एक्चुअली सर मेरे पास काउंटिंग में सेम लिख के आ गया था इसलिए मैंने सेम बोल दिया। आप सही हो, जिसने काउंटिंग की थी मैं उसको बोलना चाहूंगा कि गुरप्रीत सिंह जी का कोड डिफरेंट है, दिलदार प्रीत जी का डिफरेंट है, इसको भी आपने डिफरेंट डिफरेंट काउंटिंग में बताना है। और गुरजंट सिंह जी को हम पूरी बधाई देंगे, थैंक यू वेरी मच, बैंड अप कीजिए। चमत्कार हुआ है कोई, बिल्कुल जी, कहते हैं ना अक्सर कहते हैं हौसला रखो जीतने का, किस्मत बदले ना बदले, लेकिन बिल्कुल सर लास्ट में बाइंड अप कुछ शब्द बोलूंगा, हौसला रखो जीतने का, किस्मत बदले ना बदले लेकिन वक्त जरूर बदलता है। और यहीं पे सभी साथियों को अनम्यूट करते हैं और बोलेंगे विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप नंबर वन था, नंबर वन है और हमेशा नंबर वन रहेगा। रॉकी नाडा नंबर वन था, नंबर वन था, नंबर वन था, नंबर वन था।